ही गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं शेयर करूंगी दो ऐसा इफेक्टिव रेमेडी जो आपकी डार्क सर्कल को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि डार्क सर्कल क्यों होता है उसके बारे में। गाइस, अगर आप रात रात तक जागते हो, अच्छे तरीके से नहीं सोते हो, तो ऐसे में आपको डार्क सर्कल हो सकता है। प्लस गाइस, और एक वजह है डार्क सर्कल होने का कि अगर आप अच्छी तरीके से पानी नहीं पीते हो, तो ऐसे में आपको डार्क सर्कल हो सकता है। गाइस, आपको दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। सो गाइस, इसीलिए आज मैं दो ऐसा इफेक्टिव रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप यूज़ करके आपके डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आप हम देर ना करते हुए सीधा देख लेते हैं कि ये कौन सा रेमेडी है। लेकिन गाइस, मूव ऑन करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो गाइस, चलिए आप हम देख लेते हैं कि पहला जो रेमेडी है उसके बारे में। सो गाइस, इस रेमेडी को बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। प्लस गाइस, आप हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। प्लस गाइस, आप हम इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो एंड हम इसे ईजिली अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर पाए। सो गाइस, देखिए ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए आप हम बात कर लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। गाइस, आप इस रेमेडी को रात को सोने से पहले अपने डार्क सर्कल पर लगा लीजिएगा एंड सुबह उठकर नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। ठीक इस तरीके से अगर आप इस फेस पैक को लगातार 20 डेज तक यूज़ करते हो तो आफ्टर 20 डेज आप देख पाओगे आपकी जो डार्क सर्कल है वो बिल्कुल रिमूव हो गई है। गाइस, ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एंड क्योंकि गाइस ये नेचुरल रेमेडी है तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सो गाइस, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इस रेमेडी को लगातार 20 डेज तक यूज़ कीजिए एंड आफ्टर 20 डेज इंशाल्लाह आप देख पाओगे आपकी जो डार्क सर्कल था वो बिल्कुल रिमूव हो गई है। तो गाइस, चलिए आप हम देख लेते हैं और एक रेमेडी के बारे में जो आप यूज़ करके आपके डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हो। सो गाइस, ये जो रेमेडी है इस रेमेडी को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्लस गाइस, इस रेमेडी में जो जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो आपको आपकी किचन से ही ईजिली मिल जाएगा। गाइस, ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल नेचुरल है तो गाइस इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस गाइस, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है तो इसको अच्छा रिजल्ट देने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है। सो गाइस, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इस रेमेडी को लगातार 15 डेज तक यूज़ कीजिएगा एंड आफ्टर 15 डेज आप खुद ही देख पाओगे आपकी जो डार्क सर्कल है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो चलिए गाइस, आप हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लीन बोल एंड इस बोल में हम ऐड करेंगे करीबन 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। प्लस गाइस, आप हम इस टर्मरिक पाउडर में ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। गाइस, मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल ऐड कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। एंड गाइस, एंड में आप हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध मतलब रो मिल्क। सो गाइस, मैं यहाँ 1 टीस्पून ऑफ रो मिल्क ऐड कर रहा हूँ। प्लस गाइस, आप हम इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो एंड हम इसे इजीली अपनी डार्क सर्कल पर अप्लाई कर पाए। सो गाइस, देखिए ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए आप हम बात कर लेते हैं कि इस रेमेडी को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। सो गाइस, आप इस रेमेडी को अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर लीजिएगा। प्लस गाइस, अप्लाई करने के 10 मिनट बाद आप अपने फेस को प्लेन वाटर से अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। प्लस गाइस, अगर आप इस रेमेडी को इस तरीके से 15 to 20 डेज तक यूज़ करते हो
तो आफ्टर 20 डेज आप देख पाओगे आपकी जो डार्क सर्कल है वो बिल्कुल रिमूव हो गई है। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लस गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।